करण मेहरा हमेशा से ऐसे इंसान रहे हैं जो खुद कम बोलते हैं पर उनका काम ज्यादा बोलता है। जिन्होंने पहली बार प्यार किया, उसी लड़की से शादी भी की और 14 साल रिश्ते को निभाया भी, पर आज उनकी लाइफ काम की बजाय कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में आ गई है। पर क्या जितने शाय, इनोसेंट एंड काम करण दिखते हैं, रियलिटी में वो इसके अपोजिट तो नहीं? क्योंकि काफी टाइम तक ये सुनने में आता था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट्स पर उनकी और हिना खान की कभी बनती नहीं थी। तो क्या करण में सच में एटीट्यूड प्रॉब्लम है जिस वजह से आज निशा और उनका रिश्ता मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल अवार्ड जीतने के बाद भी ऐसी नौबत पर आ गया? करण की करियर लाइफ स्ट्रगल्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से लेकर उनकी लाइफ से जुड़े ऐसे ही अनजाने सवालों के जवाब, साथ ही उनकी दादी से जुड़ी उनकी बचपन की यादें और पिज्जा बॉय की पहली जॉब से लेकर ये मुकाम हासिल करने तक का सफर, सब कुछ मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। करण मेहरा का जन्म 10 सितंबर 1982 को जलंधर पंजाब में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके फादर अजय मेहरा, माँ बेला मेहरा के अलावा एक भाई कुणाल मेहरा भी है जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। करण की दादी, जिन्हें खुद को अम्मी जान बुलवाना बहुत पसंद था, वो बचपन से उनके काफी क्लोज थे। करण बताते हैं कि उनकी दादी पेशावर की पेशोरिया थी और उनके फादर एक डिप्लोमेट थे और वो हमेशा ही करण और उनके भाई बहनों को पार्टीशन के किस्से सुनाया करती थी। वो ही उनकी फैमिली को बांध रखने वाली और हमेशा ही करण से राम राम जी बुलवाया करती थी, पर उनका जून 2020 में डिमाइस हो गया। करण हमेशा ही उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी यादों के साथ साथ उन्हें उनकी ब्रेवरी भी बहुत याद आती है। करण बचपन से ही काफी शाय रहे हैं और हार्ड वर्किंग भी। APJ स्कूल नोएडा से अपने स्कूलिंग डेज के दौरान वो प्रोजेक्ट वर्क्स में काफी फोकस्ड होकर मेहनत किया करते थे, पर पढ़ाई करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी वो हमेशा से क्रिएटिव चीजों की तरफ फोकस्ड रहे और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहा करते थे। पर उनके पेरेंट्स ने हमेशा से एक बात क्लियर कर रखी थी कि चाहे बाद में किसी भी फील्ड में जाओ पर अपनी एजुकेशन खत्म हो जानी चाहिए, और करण भी एजुकेशन की वैल्यू बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए पढ़ना ना पसंद होने के बावजूद उन्होंने हमेशा से अच्छे से पढ़ाई की और हमेशा ही अच्छा स्कोर भी किया। अपनी स्कूलिंग के बाद उन्होंने पहले BCA किया और फिर अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू काफी कोर्सेज भी किए। करण उन शांत बच्चों में से रहे हैं जो हमेशा चुपचाप बैठकर अपने टीचर्स का कहना मानते थे और अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट भी रहे। पर केवल टीचर्स ही उन्हें एडमायर नहीं करती, बल्कि करण खुद अब तक की अपनी सारी टीचर्स को एडमायर करते हैं और फेमस हो जाने के बाद भी वो किसी को नहीं भूले और उनकी फोटोग्राफ्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते रहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आ जाने पर करण को हाउस कैप्टन बनाया गया था और वो अपने कॉलेज के टॉपर भी रहे। ये इंसिडेंट्स उनकी लाइफ के मेमोरेबल इंसिडेंट्स रहे हैं। उनका फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल रहा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ गली क्रिकेट बहुत खेला करते थे। पर बचपन से ही करण को एज अ पार्ट टाइम पोर्ट्रेट स्केचिंग करने का शौक था और ये शौक आगे जाकर उनका करियर भी बन गया, जिसके लिए उन्होंने NIFT नोएडा से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करी। करण आज भी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देना चाहते हैं कि चाहे जो करना है करो, पर अपनी स्टडीज पहले जरूर खत्म करो। वो मानते हैं कि लाइफ काफी अनसर्टेन होती है, स्पेशली एक्टर्स की लाइफ, इसलिए सभी के पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने समर वेकेशन के दौरान डोमिनोज पिज्जा में एज अ ट्रेनी भी काम किया और ये उनकी लाइफ की पहली जॉब रही। पर फिर NIFT से फैशन डिजाइनिंग खत्म होने के कुछ साल में उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ कनेक्शन बैठा और उनको राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट काम करने का मौका मिल गया। दोनों डायरेक्टर्स के साथ 4 मूवीज में काम करने के बाद उन्हें लव स्टोरी 2050 मूवी में काम मिला, जिसमें उन्होंने हरमन बावेजा के फ्रेंड का रोल निभाया था। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया और काफी टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आते रहे। जिस साल लव स्टोरी 2050 मूवी रिलीज की गई थी, उसी दौरान करण को 2008 में हंसते हंसते मूवी का ऑफिशियल डिजाइनर भी सिलेक्ट किया गया था। इस मूवी के लीड एक्टर्स थे जिम्मी शेरगिल और निशा रावल। शूटिंग के दौरान मार्च 2007 में करण की मुलाकात निशा से पहली बार हुई और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त भी बन गए। करण को निशा से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था, पर वो इसे जल्दबाजी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। फिर मूवी की शूटिंग के लिए सभी का 45 डेज के लिए अमेरिका जाना हुआ और तभी से करण को उनके प्यार पर पक्का भरोसा हो चुका था। करण ने वहां से आने के बाद निशा को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और सभी फैमिली मेंबर्स को पहले से बताकर रखा था कि वो निशा को प्रपोज करने वाले हैं, और इतने शाय एंड हमेशा से अनएक्सप्रेसिव रहे करण ने निशा को उस पार्टी में अपनी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के सामने प्रपोज कर डाला और निशा ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये वो टाइम था जब करण इस इंडस्ट्री में नए थे और सक्सेसफुल एक्टर बतौर खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। वही निशा उस टाइम अपने करियर में करण से आगे थी और निशा उनके साथ उस टाइम खड़ी रही जब
जब करण कुछ भी नहीं थे। करण खुद कहा करते थे कि निशा ने सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी उन जैसे न्यू कमर को एक्सेप्ट किया और उनकी जैसी सेंसिटिव एंड स्वीट लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। करण निशा के लिए ये भी कहा करते थे कि शी हैज द ग्रेटेस्ट सोल। और जैसा कि करण का मानना था, निशा के लाइफ में आते ही करण को ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं नैतिक के लीड रोल में सेलेक्ट कर लिया गया। और सभी जानते हैं कि उनके इस किरदार ने ना सिर्फ उन्हें नेशन वाइड पॉपुलैरिटी दिलाई बल्कि नैतिक एक हाउस होल्ड नेम भी बन गए थे। करण और हिना की पहली बार मुलाकात सितंबर 2008 में उदयपुर में शो के प्रोमो शूट के दौरान हुई थी और राजन शाही ने उन्हें पहली बार एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था। पर तब उनकी और अक्षरा की केमिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई थी कि सभी को लगता था कि दोनों शायद आगे जाकर रियल लाइफ कपल भी बन जाएंगे। पर जब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑफ स्क्रीन न्यूज का पता चला तो सुनने में आया कि नैतिक और अक्षरा दोनों सेट्स पर सीन्स शूट करने के अलावा बात ही नहीं करते थे। पर इसका रीजन ये रहा कि दोनों ही काफी रिजर्व नेचर के हैं और जल्दी ही सेट पर किसी को फ्रेंड नहीं बनाते, पर लोग इसे उनका एटीट्यूड मान लेते थे। और इसीलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग के दौरान ये रूमर्स उड़े थे कि अक्षरा नैतिक की आपस में नहीं बनती और नैतिक के रूड बिहेवियर की वजह से ही बाद में उन्होंने अपना ये शो क्विट कर दिया। पर करण ने ये शो इस वजह से नहीं बल्कि शो 7 साल बाद अपने कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से छोड़ा था। करण बताते हैं कि उनकी हेल्थ उस टाइम इतनी खराब थी कि अपनी इम्यूनिटी ठीक करने में उन्हें 1 साल लग गया और यदि उन्हें गलती से कुछ हो जाता तो भी शो चलता ही रहता, तो वो अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कैसे कर सकते थे। वहीं हिना और उनकी कभी फ्रेंडशिप तो नहीं रही बट दोनों की एक्सट्रीम प्रोफेशनल रिलेशनशिप शो हिट होने का रीजन रही। जब इस शो में नैतिक की व्हाइट सूट पहनकर एंट्री हुई थी तब लोगों ने ये कहा था कि उनकी एंट्री सभी को एक्टर जितेंद्र की याद दिला गई थी। वैसे इस शो के लिए करण मेहरा को 35 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान करण ने कहा था कि हिना काफी अच्छी प्रोफेशनल एक्टर है पर कभी कभी हाइपर हो जाती है, बट फिर भी हमारा काम इससे अफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। वहीं हिना को करण का पेशेंस अच्छा लगा था पर वो कुछ ज्यादा ही रिजर्व नेचर के थे तो अक्षरा ने उन्हें थोड़ा चिल रहने की एडवाइस दी थी। पर वो बताते हैं कि सीन्स शूट होते ही वो अपने जोन में चले जाते हैं और अपने शैल में रहना ही प्रेफर करते हैं और उन्हें सेट्स पर किसी से भी पर्सनल होना अच्छा नहीं लगता। यही वजह रही कि करण निशा की डिस्प्यूट का रीजन करण का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर एक्ट्रेस हिमांशी पाराशर के साथ उनका नाम क्यों जुड़ा, इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। खैर, इसी शो के बीच में करण और निशा ने 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद नवंबर 2012 में शादी कर ली और उसके जस्ट 1 साल बाद नच बलिए सीजन 5 एंड नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती में दोनों ने पार्टिसिपेट किया। करण और निशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि निशा को करण की डिसिप्लिन में रहने की क्वालिटी और उनका केयरिंग नेचर बहुत पसंद आया था। वहीं करण निशा को काफी अंडरस्टैंडिंग और उनका लक्की चार्म मानते थे, साथ ही निशा के प्रोफेशनलिज्म से भी वो बहुत अट्रैक्ट हुए थे। फिर 4 साल के मैरिटल ब्लिस के बाद 2016 में निशा ने रिवील किया कि वो प्रेग्नेंट है। उस दौरान करण बिग बॉस 10 में कंटेस्टेंट थे पर 5 हफ्ते बाद ही वो इविक्ट होने वाले शो के पहले सेलिब्रिटी बन गए और जुलाई 2017 को उनकी लाइफ में काविश मेहरा की एंट्री हुई। काविश के आने के बाद दोनों की लाइफ काफी चेंज हो चुकी थी। हर काम से पहले करण के माइंड में उन्हीं का ख्याल रहता था। करण बताते हैं कि जब काविश का जन्म हुआ था तब काविश करण के यंगर सेल्फ जैसे दिखते थे पर धीरे धीरे वो निशा के जैसे दिखने लगे और उनके हैंड्स, ईयर्स, टोज करण पर ही गए हैं। बट वो कहते हैं कि जब तक बच्चे 2 हफ्ते के होते हैं तब तक उन्हें सारे ही बच्चे सेम लगते हैं, पर करण और निशा दोनों की हस्ती खेलती लाइफ में जो आज ट्रबल्स आ गए वो एक ही दिन का रीजन नहीं था बल्कि निशा और करण के कितने ही सारे व्लॉग्स या इंटरव्यूज में दोनों के बीच डिस्टेंसेस नोटिस किया जा सकता है। रिसेंटली मई 2021 में जो भी हुआ उनके डिस्प्यूट की खबरें पहले भी वायरल हुई थी बट तब निशा और करण ने इन बातों को केवल रूमर्स बताया था। पर जब गोरेगांव पुलिस ने करण को अरेस्ट किया तब ये बात पब्लिकली आग की तरह फैल गई। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसीलिए वो सेलिब्रिटी कपल्स की हैप्पी लाइफ से इम्प्रेस नहीं होते और जो सेलिब्रिटी साथ में खुश रहते हैं वो शो ऑफ नहीं करते। वहीं कुछ लोगों को करण और निशा के इस डिस्प्यूट से काफी दुख भी हुआ और वो आज भी उन्हें फिर से साथ देखना चाहते हैं, पर उनके कुछ ओल्ड वीडियोस देखने पर जो उन्होंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम लाइव किए थे उन वीडियोस में निशा करण पर डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है और उनके मूड स्विंग्स भी एक्सट्रीम रहते हैं और करण के फेस से भी काफी बार लगता था कि वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है या शायद उनसे बहुत इरिटेटेड है। इसके अलावा भी लोगों ने नोटिस किया था कि निशा करण के साथ वीडियोस में थोड़ा ओवर रिएक्ट या बचकानी हरकत टाइप किया करती थी, पर ऐसा बिहेवियर यूजुअली गर्ल्स अपने लाइफ पार्टनर के सामने करती ही है, तो किसे गलत कहें और किसे नहीं इस मैटर में हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे जरूर बताना। पर इस कॉन्ट्रोवर्सी से निशा का बायपोलर होना भी सामने आया एंड ये बात सच है कि बायपोलर डिसऑर्डर वाले इंसान में सामने वाले को या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स देखे जाते रहे हैं। इसके साथ ही करण काफी इंटरव्यूज में थोड़ा इरिटेट होकर ये कहते नजर आते थे कि निशा को सब कुछ ही करना है, इसको सॉन्ग्स भी करने हैं, डायरेक्शन
डिजाइन भी करना है, मॉडल भी बनना है, कुकिंग भी करनी है, व्लॉग्स भी करने हैं और लाइव वीडियोस भी बनानी है। जिस पर कुछ लोगों ने ये कहा था कि करण के वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे करण बहुत लेजी है। पर घर के सीसीटीवी कैमरास बंद होने का रीजन करण ने ये बताया था कि निशा ने ये खुद ही बंद किए थे, जो कि निशा ने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने ही बंद किए थे। पर उसका रीजन ये था कि करण सीसीटीवी कैमरा ऑन होने पर उनसे थोड़ा अलग बिहेव करते थे। खैर, करण के एक दोस्त का और कुछ सेलिब्रिटीज का ये भी कहना है कि सेलिब्रिटी कपल्स को पैसों के लिए अपनी लाइफ हैप्पी एंड चीयरफुल दिखानी पड़ती है, पर ये सोशल मीडिया प्रेशर अब इतना बढ़ गया है कि सेलिब्रिटीज रियलिटी में रिश्ता सुधारने पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके जरूर बताएं कि इन तीनों में से क्या वजह रही होगी उन दोनों के दूर जाने की। खैर, करण बिग बॉस 10 के बाद एक कॉमेडी शो खटमल से फिर से टीवी स्क्रीन पर लौटे, बट शो अचानक ही बंद हो गया। शो की प्रीमैच्योर एंडिंग का रीजन ये भी माना जाता था कि करण कॉमेडी सीन्स ठीक से इनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसे खारिज करते हुए करण ने ये कहा था कि ये बात बेसलेस है क्योंकि उन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत ही कॉमेडी से की थी और उन्हें उस दौरान स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया था। पर चैनल के ट्रांजिशन की वजह से ये शो अचानक एंड हो गया। करण उस दौरान इस बात से काफी शॉक तो हुए थे, बट देन ही एक्सेप्टेड कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट होते हैं। इस शो के बाद करण निशा और काविश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और एक दो साल के गैप के बाद एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न में दो गर्ल्स के फादर के रोल के लिए वो सेलेक्ट कर लिए गए। करण ने इस रोल के लिए इसलिए हाँ किया था क्योंकि ये कैरेक्टर फ्लैशबैक्स में दिखाया जाना था और मंथ में सिर्फ 2 दिन ही उन्हें शूट पर जाना होता था। करण ने बाद में काफी नेगेटिव रोल्स के लिए भी ऑडिशंस दिए थे, पर फैंस उनको ऐसे रोल में देखने को रेडी नहीं थी। तब करण को बहुत बोझ सा फील होता था। वो कहते हैं कि वो एक्टिंग को एक्टिंग मानकर काम करना चाहते थे, कंपल्शन नहीं। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि सिनेरियोज अब काफी चेंज हो चुके हैं और लोग हर रोल को एक्सेप्ट करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने नेगेटिव रोल्स के ऑडिशंस भी दिए और उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर के लिए गुड रिस्पॉन्स भी मिला। आगे वो वेब सीरीज में भी काम करना चाहते हैं, पर माइथोलॉजिकल शोज में काम करने का भी उनका कोई प्लान नहीं है। साथ ही एक्ट्रेस रागिनी खन्ना, दीपिका सिंह, पूजा गौर, तोरल राजपुत्रा के साथ भी वो काम करना चाहते हैं। करण कहते हैं कि ये एक्ट्रेसेस काफी अच्छे एक्ट्रेस होने के साथ साथ अच्छी ह्यूमन बींग्स भी है। उन्होंने एक मूवी बस्ती है सस्ती में भी काम किया था, जिसका अनाउंसमेंट एंड एडवर्टीजमेंट उन्होंने ईयर 2016 में साथ निभाना साथिया शो पर किया था। 2017 में ये मूवी रिलीज की जाना तय की गई थी, पर इसकी रिलीज डेट बाद में 2018 में पुश कर दी गई। इसके कुछ साल बाद उन्होंने अक्टूबर 2020 में पंजाबी टीवी शो मावा ठंडिया छावा में काम करना शुरू किया, जिसकी शूटिंग चंडीगढ़ में की जा रही है और ये शो जी पंजाबी पर टेलीकास्ट किया जाता है। इसमें उनके अपोजिट हिमांशी परमार कास्ट की गई है। जब से करण और निशा की न्यूज वायरल हुई, तब से हिमांशी को ही उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन माना जाने लगा और लोग उन्हें जाकर इंस्टाग्राम पर बैश भी करने लगे। पर जो लोग भी करण के को-स्टार रह चुके हैं, वो जानते हैं और मानते हैं कि करण कभी को-स्टार से फ्रेंडशिप तो दूर, सेट्स पर किसी से ज्यादा बात तक नहीं करते। इसलिए उन्हें करण पर ज्यादा भरोसा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा कुछ भी होना उनके केस में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर नवंबर 2020 में करण जुबिन नौटियाल, रोचक कोहली के सॉन्ग बेवफा तेरा मासूम चेहरा में नजर आ चुके हैं एंड ये सॉन्ग बहुत हिट रहा है और इसमें उनके अपोजिट एक्ट्रेस इहाना ढिल्लों ने काम किया है। यूट्यूब पर ये सॉन्ग 325 मिलियन व्यूज से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है और उनके इस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने इस वीडियो पर इतने कमेंट्स किए कि सोचा नहीं था कि कुछ ही महीने में ये सॉन्ग निशा और करण की लाइफ की रियल स्टोरी बन जाएगा। लास्टली, करण को योगा करना बहुत पसंद है और वो अपनी फैमिली को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और अपने सेट्स पर वो परफ्यूम हेयर स्प्रे के बिना नहीं जा सकते। साथ ही करण हमेशा से ही टी शर्ट्स के लिए बहुत क्रेजी रहे हैं और वो काफी सालों से रूट्स एंड विंग्स मैन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी करण मेहरा की लाइफ से, इसी विश के साथ कि करण और निशा का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप किसी दूसरे सेलिब्रिटी की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और अपनी नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।